कविता क्या है? ये एक शाश्वत प्रश्न है। कवि वास्तव में ही जन्मजात होते हैं और कविता जन्म से ही मनुष्य को एक सिद्धि के प्राप्त, जब आप पढ़ लिख कर बहुत अधिक अध्ययन करके, लोगों का पठन पाठन करके और अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं, तब कहीं जाकर इसके यदि स्वर फूटते हैं तो वो चिर स्थाई होती है, चिरंजीवी होती है। हम लोग साहित्य की परिभाषाएं पढ़ते रहे। साहित्य के परिभाषाओं में क्या होता था कि हम हर तरह से उन परिभाषाओं को रट्टा लगाते थे। बिहारी की कविता क्या है? मानो मीठी खांड की रोटी। और मज़ा आता था पढ़ने के लिए, पढ़कर उनको समझकर, उनकी रचनाओं को देख देख कर हम लोग बड़े हुए हैं। और लगा था वो किसी तपस्वी और साधक की तरह थे जिन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है। पर आजकल कविता रूप तो बदलती है समय के साथ और समाज का दर्पण कही जाती है, तो समाज की झलक हर समय की ऐसी होती है कि वो झलक शाश्वत नहीं होती। हम जो समाज का दर्पण जिसे दिखाते हैं और उस दर्पण में जो हमें दृष्टिगत होता है, तो उससे पता चलता है उस समय सामाजिक स्थितियाँ क्या थी। तुलसीदास हो, कबीर हो, रहीम हो, सूरदास हो, और सच कहूँ तो सूरदास की कविताओं में मैंने तो एक चीज़ और पाई कि पुरुष में जो वात्सल्य रस पुरुष ने जो वर्णन किया है वो शायद कोई महिला भी नहीं कर सकती। तो ये एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी साधना, एक तपस्या से संभावित होती है। और हमारे तपस्वियों ऋषियों ने जो मंत्र रचे, जो कविताएं रची, क्योंकि आप देखिए ना कि हर गीत की पंक्ति, हर पूरा संसार सिर्फ कविता पर टिका है। उसने रूप बदला, लेकिन बहुत कुछ बदलने के बाद भी उसकी यति, गति, लय, ताल, शैली, सहजता, सरलता, ये सारे उसके गुण अगर नहीं हैं तो फिर वो चिरस्थाई ना होकर वो सामयिक हो जाती है। और लोग जब कहते हैं ना कि कविता साहित्य समाज का दर्पण है, तो मैं सोचती हूँ कि दर्पण में तो आपने जो छवि देखनी चाहिए, जो कुछ आपने चाहा वो आपने देख लिया। हमने रामचंद्र शुक्ल जी की कविताओं की परिभाषाएं रट रखी थी एमए के समय, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से कर रही थी। और डॉक्टर नगेंद्र का तो पढ़ाने का तरीका ही बहुत बढ़िया था, बाकी भी सभी थे। लेकिन वो कि बिहारी की कविता क्या है? मानो मीठी खांड की रोटी। पर सचमुच कहीं से भी चखिए वो मीठी होगी, कहीं से उसका स्वाद बदलेगा नहीं। और किसी भी युग में कोई मधुमेह का शिकार हो तो उसको और ऊर्जा देगी, उसको और अधिक ऊर्जावान बनाएगी और उसको सोचने पर विवश करेगी। श्रृंगार का वर्णन, भक्ति का वर्णन, रहस्यवाद, छायावाद, जाने कितने कितने वादों से ये कविता युक्त हुई है। और सृजन की एक प्रक्रिया होती है और कविता वो सशक्त वस्तु है जो यदि जन्मजात हो तो वो उम्र भर सृजन करती है, प्रजनन करती है। और पहले वो पैदा होती है, फिर उसके पाठक पैदा होते हैं, उसके श्रोता पैदा होते हैं, उसके कद्रदान पैदा होते हैं, और पैदा करने का एक सिलसिला युगों से चल रहा है। और इसमें जनसंख्या नियंत्रण की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं वादों की बात कर रही थी ना, तो देखिए समय के साथ कैसे बदली कि साहित्यकार प्रेमी ने प्रेमिका को वादों की बात पर इतना ही कहा था। साहित्यकार प्रेमी ने प्रेमिका को वादों की बात पर इतना ही कहा था, अजी मेरा मतलब तो छायावाद, रहस्यवाद आदि वादों से था। अब देखिए साहित्यकार से अगर प्रेम करेंगे तो ऐसी विडंबना आएगी, क्योंकि वो
पिछले कसमे वादे नहीं जानता, वो वादों से ही घिरा रहता है। समय के साथ उपमाएं बदली, समय बदला, अब व्यंग्य है। और मेरी तो विशेषता ये है कि मैं सोचती हूँ कि कविता जितनी छोटी हो उतनी अच्छी, क्योंकि मैं सुना था कि लोगों को लगता है कविता एक मुसीबत होती है, तो आप तो जानते हैं मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी। और एक दो बार मेरे संकलनों पर और कई तरह के बहुत बड़े आलोचकों ने यूँ ही टिप्पणी भी दी थी कि चोटी की ना होकर भी चोटी की है। और अब अर्थ क्या था मैं समझती हूँ कि उस तभी मैंने कहा था कि समय के साथ ऐसे परिवर्तन हुए, समय के साथ ऐसे परिवर्तन हुए, कथन बदलते हैं, अब चोटी ना रही ना ही चोटी के वर्णन मिलते हैं। और वैसे देखिए ना, दो ही शब्दों में, दो ही पंक्तियों में आप कितना कमाल कर सकते हैं कि त्रिशंकु और प्रेमी की गति समान, त्रिशंकु और प्रेमी की गति समान, दोनों को अधर में रहने का उन्मान। और वादों की बात हो गई, तो ऐसे में ये जो कमाल है, ऊर्जा के कमाल के बारे में किसी ने साहित्य में सोचा कि सौर ऊर्जा का कमाल, सौर ऊर्जा का कमाल, कच्ची उम्र पके बाल, ये है इस युग की देन। युग की सारी स्थितियाँ उसमें सिमट कर लिखावट बनकर आ गई हैं। कोई इसका विश्लेषण करे तो मेरा ख्याल है वो अर्थ निकलते आएंगे, और शब्दों का भंडार जो है वो परोसिए, लोगों को कुछ ऐसा दीजिए जो कि मनन करने पर उन्हें विवश करते। मैं तो आज की कविता में इतना ही कहूँगी कि कविता छोटी हो, सार गर्भित हो, तभी वो टिकेगी। समय के साथ थोड़ा सा अध्ययन, मनन, चिंतन ये यदि करेंगे तो कविता एक अलग रूप, अलग सौंदर्य, अलग निखार लेकर आएगी। कहते हैं ना कि अलंकारों से लदी फदी होनी चाहिए, पर आप तो अलंकार की परिभाषा ही बदल गई है। वो कहते हैं लज्जा स्त्री का गहना है, जो कहता है, लेकिन युवती ने बिना बात सूझे यही कह दिया एकदम कि आजकल गहने कौन पहनता है। और सचमुच कविता अलंकार रहित होते हुए भी प्रतीकों से मड़ी हो और यति गति लय विराम, फिर पूर्ण विराम हो, तो उसे विराम मिलेगा, उसे साहित्य में भी विराम मिलेगा।